चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों में एक से हंसना एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। ये है मानव। मानव यानी कि आम इंसान। आम इंसान हमेशा होशियारी से अपनी जिंदगी का सामना करता है, पर कभी कभी वो ना समझ हो जाता है। प्यार और रिश्तों को निभाने के लिए वो अपने आप को ही परेशान करता है, और मामला अगर दिल का हो तो कभी कभी वो अपनी जान भी दे सकता है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, हम सिर्फ दोस्त हैं। क्या किया है तुमने मेरे लिए? दो फिल्में दिखाई, दो ग्रीटिंग दिए, दो गिफ्ट दिए, तो क्या ये प्यार हो गया? तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं प्यार करती, तुम मुझे भूल जाओ। दिस इज टू मच। तुम मेरे बिना नहीं जी सकते, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। आत्महत्या करना इतना आसान नहीं है, और तुम क्या आत्महत्या करोगे? करो जो करना है। सिटी हॉस्पिटल, इट्स इमरजेंसी, सुसाइड का केस है, एम्बुलेंस चाहिए। एड्रेस नोट कीजिए प्लीज। रात अंधेरी, भोर सुनहरी, यही जमाना है। हर चादर में सुख का ताना, दुख का बाना है। आती सांस को पाना, जाती सांस को खोना है। थैंक गॉड अब वो खतरे से बाहर है। अच्छा क्या तुम उसे यहाँ लाए, वरना उसका बचना मुश्किल हो जाता। कल सुबह तक उसे होश आ जाएगा, तब तक टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। सुनिए,
Excuse me. Yes? उठ गए हो? अब कैसा लग रहा है? घबराने का कोई बात नहीं, तुम्हारे पेट से सारा पॉइजन निकाल दियो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ कैसे आया? रात को एक लड़की तुमको यहाँ लाया और तुम्हारा जान बच गया। सिस्टर, ये फूल, ये फल, वही लड़की लाया, अभी तुम्हारे वास्ते डॉक्टर से बात कर रहा है, अभी आएगा। और ये फल फूल के साथ एक चिट्ठी भी है, देखो। फूल जिंदगी में रंग भरने के लिए, फल जिंदगी में मिठास भरने के लिए, नई जिंदगी की नई सुबह मुबारक हो। सुगंधा, गेट वेल सून। हेलो, आई एम सुगंधा, योर मानव, राइट? मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर ने कहा है आज तुम्हें लिक्विड डाइट ही लेना है, तो चलो जूस पी लो क्विकली, इट्स गुड फॉर यू। मुझे कैसे जानती हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? तुम्हें पता कैसे चला? आज नो सवाल, सिर्फ आराम। कल तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर आराम से पूछ लेना जो पूछना है। सुनो, तुम जो भी हो, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। मैनी मैनी थैंक्स। पता नहीं क्यों मैं इतना कमजोर कैसे हो गया कि मैंने अपने आप को। देखो मानो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे पूरी तरह से जियो। परेशानी तो आती ही रहती है, इनसे भागते नहीं है, इनसे समझौता करते हैं। लेकिन कोई इंसान ऐसे कैसे बदल सकता है? कोई ऐसे कैसे किसी के साथ विश्वासघात कर सकता है? और क्या हम चुपचाप ऐसे सहते रहेंगे, देखते रहेंगे? नहीं, कोई किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता और ना ही कोई इंसान बदलता है। बस बदलता है तो हमारा नजरिया उस इंसान की तरफ देखने का। सोचो, सब इंसान अच्छे हैं, जो जैसा है उसे वैसे ही अपना लो। और हाँ, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मैं चलती हूँ, ये कुछ मैगजीन्स लाई हूँ, इन्हें पढ़ लेना, वक्त कट जाएगा। देखा, मेरे आते ही कितनी रोशनी हो गई है। बैठो। जानती थी यूं ही भूखे बैठे रहोगे, इसीलिए तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। चलो गर्मा गर्म खाना खाते हैं। सुनो, आप ये सब क्यों कर रही हो? यार तुम सवाल बहुत करते हो। जानते हो बाबा जी कहते हैं, जो इंसान बहुत ज्यादा सवाल करता है ना,
उसकी जिंदगी एक सवाल बनकर ही रह जाती है। चलो अब जल्दी से खाना खाओ। कैसा लगा? वाकई खाना बहुत लजीज है। अच्छा है ना? बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। एक बात बताओ, क्या आप मुझे कॉलेज से जानती हो? मैं तो तुम्हें जन्मों जन्मों से जानती हूँ, कोई शक? आए हाय, इसी बहाने तुम हंसे तो सही। वाकई मानव, तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। हंसती खेलती जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है ना। ना जाने हम इस खूबसूरत जिंदगी के साथ इतना रूखा बर्ताव क्यों करते हैं। पता है बाबा जी कहते हैं, या तो हम बीते हुए दिनों के बारे में सोचकर दुखी हो जाते हैं, या आने वाली कल की सोचकर चिंतित रहते हैं, और इस बीच भूल जाते हैं इस खूबसूरत आज को, आज जो हमारा अपना है। आज की सोचो, अभी की सोचो। बाबा जी यानी आपके पिताजी? हाँ, मेरे पिताजी, लेकिन मुझे जन्म देने वाले पिताजी नहीं, इस संसार के पिताजी, परमात्मा, परमेश्वर, परम पिता। पता है जब कुछ भी समझ नहीं आता ना, तो बस अपने दिल पर हाथ रख लेना चाहिए, और उसके बाद जो आवाज आती है वो बस बाबा जी की होती है। और पता है क्यों? क्योंकि भगवान तो हमारे दिल में ही बसते हैं, भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। आप कितनी अच्छी बातें करती हो। देखो सब कुछ कितना अच्छा है, खाना अच्छा, बातें अच्छी, इसीलिए तो कहती हूँ साढ़े नाल रहोगे तो बस ऐश करोगे। देखो आप मुझे अपने बारे में नहीं बताना चाहते तो ना सही, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मैं और भगवान? हाँ, यस, आम भगवान। मांगो बच्चा, क्या मांगते हो? हम प्रसन्न हुए। भगवान मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेरी इच्छा पूरी कर दो प्लीज। बस इतनी सी बात, तथा अस्तु, तेरी ये इच्छा जरूर साकार होगी। अरे घनचक्कर, आशीर्वाद तो ले लिया, भगवान को भोग कौन लगाएगा? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ये लो भगवान, आपका प्रसाद। ये हुई ना बात। मानव, अब कल से ऑफिस जाना है और हमेशा खुश रहना है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये हुई ना बात, चलती हूँ, बाय। बाय। हाँ सुगंधा नाम है उसका। हाँ वही हॉस्पिटल वाली, उसी की बात कर रहा हूँ। क्या इस नाम की कोई लड़की हमारे कॉलेज में थी? सरनेम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस कुछ भी नहीं बताया उसने। पिछले 2 हफ्तों से दिखाई नहीं दी, अब तुझे पता लगाना है। यार कुछ तो दिमाग लगा। फोटो नहीं है यार। सुन मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, बाय। सरप्राइज, मुझे याद कर रहे थे ना, बस यूं ही याद करते रहा करो और मैं हाजिर हो जाऊंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। अरे तुमने जो ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था ना, वो स्कॉलरशिप मंजूर हो गई है। अब तो बच्चों तुम ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर लो। रियली? ओह माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव इट। यार लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई एप्लीकेशन नंबर नहीं दिया था, तुमने पता कैसे लगाया? फिर सवाल? यार कितने सवाल करते हो तुम, पहली बार ऑफिस आई हूँ, ना चाय ना कॉफी, बैड मैनर्स हैं। सॉरी सॉरी, एक काम करते हैं, कैंटीन चलते हैं। दैट्स बेटर, चलो। पता है
ऑस्ट्रेलिया जाना मेरा सपना है, मुझे पूरा यकीन था ये स्कॉलरशिप एक दिन मुझे जरूर मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया इज माय ड्रीम डेस्टिनेशन, आहिस्ते आहिस्ते मैं सारी दुनिया घूमूंगा। कंग्रेचुलेशंस यार, अब तो तुम बड़े आदमी बन जाओगे, कहीं अपने पुराने दोस्तों को तो नहीं भूल जाओगे? कैसी बातें कर रही हो, भला मैं और तुम्हें भूल जाऊं? लेकिन मैडम, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता यार, कुछ तो बता दो अपने बारे में। मैं सुगंधा यानी खुशबू, हर इंसान मुझे चाहता है, हवा के झोंके की तरह मैं कहीं भी पहुंच जाती हूँ, कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। और हाँ, जिस घर में ठहर जाऊँ ना, उसकी जिंदगी ही महक उठती है। मैं हूँ सुगंधा, बस ऐसी ही हूँ मैं। Very, very smart. अच्छा अब मैं चलती हूँ, जिस काम के लिए मैं आई थी वो तो मैं भूल ही गई। ये लीजिए आपकी खोई हुई अमानत। ये मेरा गुजरा हुआ कल है। Now, this chapter is closed forever. Good, very good. सही जा रहे हो, अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में सोचो, टाइम मिले तो मुझे भी याद कर लेना। चलती हूँ, बाय बाय। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है, दो आँखों में एक से हंसना एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। सुगंधा, जन्मदिन मुबारक हो मानव। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सुगंधा, थैंक्स फॉर कमिंग, आई एम सो हैप्पी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मानव, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुनो फ्रेंड्स, मेरे बर्थडे का सरप्राइज मेरी मित्र, मेरी प्रेरणा, मेरी जीवन दात्री, मेरी दोस्त सुगंधा। शुक्रिया मानव। दोस्तों, मानव मेरी तारीफ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद ही एक बहुत अच्छा इंसान है। बाबा जी कहते हैं हर इंसान को मानव जैसा होना चाहिए, सीधा सादा, मासूम, ईमानदार, जिसके दिल में कोई छल कपट नहीं। मानव अपनी मर्यादा तो जानता ही है, साथ ही साथ दूसरों की इज्जत करना भी बखूबी जानता है। भगवान हमेशा ऐसे इंसानों के साथ रहता है और उन्हें हर मुश्किल से बचाता है। भगवान हमेशा मानव को कामयाबी दे। फ्रेंड, ये आज खुशी का मौका है, चलो लेट्स सेलिब्रेट। कैन आई हैव सम म्यूजिक प्लीज? उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया। क्या सोच रहा है? कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, आज मैं सुगंधा का पीछा करूंगा। मेरे पास बाइक है, आज मैं उसके घर तक फॉलो करूंगा। यू डोंट वरी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसने मुझसे कल मिलने का वादा किया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो कल मुझसे जरूर मिलेगी।
गर्ल बर्थडे पर बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर कमिंग। दोस्तों के बीच तुमसे बात नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। कुछ ही दिनों में ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी और मैं नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करूँगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं मानव। ऑल द बेस्ट। जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता था। कुछ कहना चाहते हो? हाँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। कहो, बेझिझक होकर कहो। जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, ये मैंने तुमसे सीखा। अब मुझे जिंदगी में किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन एक अजीब सा अकेलापन है। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? अगर तुम ना कहती हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा और ना ही मैं अपने आप को परेशान करूंगा, क्योंकि मैं पहले जैसा कमजोर मानव नहीं हूं। प्लीज मुझे अपनी राय दीजिए। बस इतनी सी बात? मजा आ गया मानव। ये हुई ना मर्दों वाली बात कि साफ साफ बात भी कह दो और किसी का कोई दबाव भी ना हो। लेकिन मानव, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में शादी ब्याह के फैसले हमारे माँ बाप करते हैं, जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं चाहती हूँ ये प्रश्न तुम मेरे पापा से करो। उनका फैसला ही मेरा आखिरी फैसला होगा। हाँ, तो उनका एड्रेस दो। वो यहाँ दिल्ली में नहीं रहते हैं, वो तो हरिद्वार में रहते हैं। एड्रेस लिखो। श्री चंद्रकांत माथुर, 12/10 आनंद नगर, हरिद्वार बस स्टॉप है ना, वहाँ से बस 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। कल शाम 5 बजे पहुँच जाना। ओके, मैं कल 5 बजे पहुँच जाऊँगा। मानव, बेस्ट ऑफ लक। सुनो मानव, अपना फोटो ले जाना मत भूलना। फोटो? हाँ। फोटो क्यों? यार फिर सवाल? तुम सवाल बहुत करते हो। सॉरी। गुड बाय मानव। गुड बाय। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। अच्छा, तो तुम सुगंधा से शादी करना चाहते हो? जी अंकल, और शायद सुगंधा भी मुझे पसंद करती है। अपना फोटोग्राफ लाए हो? जी हाँ। ये लीजिए। क्या तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की और सुगंधा ने तुम्हें बचाया? जी हाँ। क्या ये बात आपको सुगंधा ने बताई? नहीं, ये बात मुझे सुगंधा ने तो नहीं बताई। पीछे मुड़कर देखो, क्या तुम इसी सुगंधा की बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन ये तो हाँ, तुम ठीक समझ रहे हो। बैठो, रिलैक्स। सुगंधा
मेरी बेटी थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसे गुजरे 3 साल हो गए हैं, उसने भी आत्महत्या की थी। हॉस्पिटल में मरते वक्त उसे यकीन हुआ कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। वो जीना चाहती थी, लेकिन हम उसे नहीं बचा पाए। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। तुम जैसे नादान नौजवान जो भी आत्महत्या करते हैं, सुगंधा उन्हें बचाती है और जीने की सही राह दिखा देती है। देखो, तुम चौथे ऐसे इंसान हो जिसे सुगंधा ने बचाया है। ना जाने नेक काम वो कब तक करती रहेगी। मुझे मेरी बेटी पर नाज है। आई एम प्राउड ऑफ यू सुगंधा। जान गए मेरी सच्चाई। इंसान को जिंदगी देने का काम मरने के बाद भी कर रही हूं और हमेशा करती रहूंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है मानव, इसे पूरी तरह से जी लो। और यही तो ईश्वर की सच्ची पूजा है। आत्महत्या की सोच एक मानसिक अवस्था है मानव। इस सोच को हम बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। मानव, ये बात तुम्हें अभी समझ में आई है? और आत्महत्या की सोच रखने वाले हर उस इंसान को तुम्हें बचाना है। ये काम तुम जीते जी भी कर सकते हो। थैंक्स सुगंधा, मुझे मेरे जीने का मकसद मिल गया। मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूंगा और दूसरों को भी समझाऊंगा। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों में एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता है।